देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस वक्त मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे कड़ाके की ठंड नज़र आ रही है। घना कोहरा से पूरा इंडिया गेट छाया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग देश विदेश से इंडिया गेट घूमने के लिए आ रहे हैं। हरिद्वार से कम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं नागपुर से, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए? हाँ, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से ज़्यादा ठंड है दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में ज़्यादा है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कम है। महाराष्ट्र में कम? क्या तकलीफें हो रही हैं यहाँ पर? तकलीफें तो कुछ नहीं हो रही, थोड़ा सा ठंडी की वजह से जॉकेट जर्किन वगैरह पहनना पड़ रहा है। फिर भी आप लोग इंडिया गेट पे आए हैं? हाँ। तो देख सकते हैं, जो लोग इंडिया गेट पे घूमने के लिए भी आए हैं, उन लोगों को भी ठंड का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उससे आम लोगों को तकलीफ हो रही है। काम में दिक्कत हो रहा है भाई? हो रहा है थोड़ा। बहुत ठंड है? बहुत, काफ़ी। आम दिनों से ज़्यादा है? काफ़ी दिनों से ज़्यादा है, सोचिए 5-6 दिन काफ़ी ठंड है। देख सकते हैं, इन लोगों को ठंड में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। घूमने आए हुए? Yes, हाँ, हाँ, लग रही है? हाँ। आम दिनों से ज्यादा है, आज कम है? नहीं, आम दिनों से ज्यादा है। आम दिनों से ज्यादा है, ज्यादा है। देख सकते हैं, कई लोग आए। ठंड लग रही है दिल्ली में? हाँ, बहुत है। बहुत है। पिछले दिनों से ज्यादा है आज? हम लोग आज ही आए। कहाँ से आए हैं आप लोग? मुंबई से। तो मुंबई से घूमने के लिए दिल्ली? हाँ, मुंबई हाँ। से ज्यादा है? मुंबई में तो ठंड होती नहीं है? मुंबई से तो डेफिनेटली ज्यादा है। मुंबई में होती ही नहीं है ठंड? हाँ। तो देख सकते हैं, जो लोग इंडिया गेट पर घूमने के लिए आए हैं, उन लोगों को भी ठंड का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली में इंडिया गेट घूमने के लिए लोग जगह जगह से आ रहे हैं। ये लोग खास करके मुंबई से, महाराष्ट्र से कई लोग आए हुए हैं। ठंड लग रही है? हाँ जी, ठंड तो लग रही है, मौसमी ठंड का है। पिछले दिन से ज्यादा है कि कम? ज्यादा है। ज्यादा है? हाँ। बचाव के लिए क्या क्या कर रहे हैं? बचाव के लिए कपड़े पहने हुए हैं। बहुत ठंड लग रही है। बचाव में क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? सर क्या करें, कपड़े ज्यादा पहन रहे हैं, मुफलर कानों से बांध रहे हैं। आज का ठंड पिछले दिनों से ज्यादा है कि कम है? बहुत दिनों बाद मैं तो इतनी ठंड देख रहा हूँ सर। कितने साल से रह रहे हैं दिल्ली में? मैं 10-12 साल हो गए मुझे। 10-12 साल में इतना ठंड नहीं देखा था आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा सर। यार है, मौसम वैज्ञानिक ने रेड अलर्ट जारी किया है 8 राज्यों में। वो 8 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों में मौसम वैज्ञानिक ने, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली की बात करें तो विजिबिलिटी शून्य हो गई है दिल्ली की, खास करके दिल्ली NCR में घना कोहरा छाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इंडिया गेट पर भी किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड लग रही है सर? हाँ, सर्दी तो है, आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली को सर्दी ने ढका हुआ है और आम जनता परेशान है सर्दी से। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं आप? मैं दिल्ली में हूँ 15-20 साल से। 15-20 साल में सबसे ज्यादा ठंड पड़ा है इस बार? इस साल में सबसे बड़ी सर्दी मैंने दिल्ली में देखा है। इससे पहले इतना ठंड नहीं पड़ा था कभी दिल्ली में? पड़ता, लेकिन इतना नहीं पड़ा जो इस बार पड़ा है। बहुत सर्द लग रही है, बहुत सर्दी है। लोग बेचारे आपस में आग जला के सीख रहे हैं, कोई कैसे रह रहा है बेचारा। आप सर्दी में परेशान हैं दिल्ली में, सर्दी ज़्यादा है। आप बचाव क्या कर रहे हैं ठंड से, बचाव के लिए? हम बचाव ये कर रहे हैं, जो गरीब नज़र आ जाते हैं हमें तो उनको लकड़ी का पैसे देते हैं, कोयले को दे देते हैं, कुछ कुछ मदद कर रहे हैं जितनी हमसे हो सकती है, कम्बल वगैरह भी देते हैं। देखो जितनी हमसे हो पा रहा है गरीबों के लिए, अपने लिए जो भी सब कर रहे हैं। देखो ऐसा ठंड तो लग रही है, मौसम अच्छा है, कोई परेशानी तो है नहीं, क्योंकि कभी इसके भी इंतजार होता है ठंड का भी, जब गर्मी आती है तो ठंड का इंतजार करते हैं। शिमला से भी ज्यादा ठंड दिल्ली है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि इसमें कई चीजों के फायदे हैं, गेहूं है, आलू है, इसी से तो ग्रोथ होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, अगर गर्मी होगी तो आप ग्रोथ नहीं होगा किसी भी फसल का। आप कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? मैं तो 50 साल से हूँ, लगभग 42 साल सरकारी नौकरी कर चुका हूँ यहाँ दिल्ली फायर सर्विस में। तो क्या इससे पहले इतना ठंड नहीं? ठंड पड़ी है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, हम तो फायर से अटैच है, हम हमारा काम था पानी से, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सरकारी वर्दी पहने हुए हम, बचाव के लिए? बचाव के लिए देखो जैकेट भारत सरकार की दी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आनंद है।
अच्छा लगता है। तो मैं इस वक्त देख सकते हैं विजय चौक जो पार्लियामेंट के सामने राष्ट्रपति भवन है बगल में है, पार्लियामेंट है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, यहाँ भी किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है, कुछ भी दिख नहीं रहा है साफ साफ। विजिबिलिटी तो शून्य के आसपास पहुंच गई है जो कि मौसम वैज्ञानिक ने भी कहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिक ने 8 राज्यों में रेड अलर्ट भी जारी कर रखा है, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन सभी राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम वैज्ञानिक के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से मौसम ने करवट ली उसके बाद कड़ाके की ठंड से दिल्ली को गुजरना पड़ रहा है, तो खास करके दिल्ली में हम लोगों को खासे तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से भी कई स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है क्योंकि बच्चे स्कूल में सुबह सुबह ना जा सके और ठंड से बच सके। कैमरामैन पंचानन के साथ केशव कुमार झा, एचएस न्यूज, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।